ये जो ब्रिज आप यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ब्रिज गाइस, तो ये जो ब्रिज है ये जैसे ही क्रॉस आप करेंगे तो यहाँ से मतलब कि मेनली गांधीगाम टाउन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कैंप आपको दिखाई देखने को मिलेगा। ये एकदम एक्चुअल मेन ब्रिज है गाइस, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा फोटो आता है क्योंकि पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा माउंटेन ही माउंटेन है एकदम। ये गाइस विजयनगर का लोकल समोसा विद चटनी। हाँ हो गया। और यहाँ पे मेनली लिसू कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, लिसू कम्युनिटी यहाँ पे पाए जाते हैं। और जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं फुलीचे के मामा के वहाँ पे काफ़ी अच्छा हम लोगों को वहाँ पे व्यवस्था करके दिए हैं। 5 कंबल हम लोग को ओढ़ना होता है रात में, इतना ठंडी होती है। हेलो नमस्कार गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। हम लोग अभी माझगाँव से सीधा जा रहे हैं गांधीग्राम की ओर। माझगाँव का स्कूल तो हो गया, देखिए रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया था यहाँ पे। ये गाड़ी इसको काटा जा रहा है, काट रहा है ये गाड़ी, पीछे देखिए पूरा पत्थर ही पत्थर, जेसीबी रास्ता बना रहा है। ये जेसीबी लोग रास्ता बनाते हैं। ये देखिए गाइस पूरा बहुत खतरनाक यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड। दोनों जेसीबी यहाँ पे लगा हुआ है, इसको तोड़ तोड़ के, हाँ ये क्रेशर मशीन तोड़ तोड़ के यहाँ पे। हम लोग ट्रैक्टर, हम लोग जिस ट्रैक्टर से जा रहे हैं ये वो ट्रैक्टर बैठते हैं। तो गाइस जर्नी के बाद हम लोग गांधीग्राम पहुँच चुके हैं। ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू कल करूँगा, कोई कोई विलेज में जाऊंगा स्कूल विजिटिंग के लिए, तो कल मैं कंटिन्यू करूंगा इस ब्लॉग को। तो अभी तक तो यहीं पे मैं एंड करता हूं क्योंकि मैं दिखाया हुआ हूं जब यहां से अब जब गया था। और गाइस गांधीग्राम मैं भी सोचता था कि बहुत इतना वो नहीं होगा, लेकिन यहां पे आके देखा तो हर जगह मतलब अच्छा खासा घर है सबका, हर घर में एक गाड़ी तो दिखाई दे रहा है, मतलब गाड़ी या ट्रैक्टर या बाइक, मतलब सब लोग ठीक ही है। मतलब जितना सोचा था उससे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हाई है गांधीग्राम में, सबके पास यहाँ पे गाड़ी, हर एक घर में मिलेगा गाड़ी या ट्रैक्टर। तो इस ब्लॉग को यहीं पे मैं थोड़ा वो करता हूँ, मिलते हैं कल, कल फिर से शूट करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। कल माझगाँव से हर जुल्दो का ब्रिज पहुँचने के लिए 2 घंटा लगा है। गुड मॉर्निंग गाइस, 2 दिन से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश गिर रहा है। अभी हम लोग फिलहाल गांधीग्राम का एक स्कूल विजिट कर चुके हैं, देखिए हाथ में रेनकोट रेनकोट सब लेके चल रहे हैं, कब कहाँ बारिश आ जाएगा ठिकाना नहीं है। और यहाँ पे हमारा फुलीचे, कुछ बताओ कहाँ जा रहे हैं क्या? अभी हम लोग नीपोतो स्कूल में जाएगा, तो यहाँ का स्कूल कंडीशन तो ठीक ही है, लेकिन भी मतलब एजुकेशन लेवल जो बहुत ख़राब है, बिगिनर्स पे है सब लोग, तो इसीलिए अभी हम लोग सर प्रथम का प्रोग्राम इंचार्ज चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का उसके साथ मिलके हम लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेगा क्योंकि उन्हें क्यों है प्रॉब्लम। तो मीपोतो के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये मीपोतो स्कूल जो है एक्चुअली यहाँ से 80 माइल का वहाँ में है, 80 माइल, लेकिन भी मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन कम होने की वजह से स्कूल तो सेंक्शन हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन है वहीं पर ला दिया हम लोग। तो ये स्कूल तो एक्चुअली ये विलेज का नहीं है, दूसरा विलेज का स्कूल को यहाँ पे मतलब अपनाया गया है रखा है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे 25-26 स्टूडेंट्स है जो मतलब सब बिगिनर्स लेटर पे है। अच्छा, एजुकेशन लेवल बहुत ख़राब है यहाँ पे। अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग जाने वाला है मीपोतो गांधीग्राम का दूसरा विलेज। ये आज का ये विजयनगर का ये लास्ट ब्लॉग होगा क्योंकि इसके बाद तो कल हम लोग चले जाएंगे, रास्ता वास्ता तो नहीं हो जाएगा, बोलते जाने नहीं देगा, रास्ता ब्लॉक कर देगा। बारिश काफ़ी ज़्यादा गिर गया है गाइस, पुलिचे बोल रहे हैं जाने नहीं देगा। रास्ता काफ़ी शायद ख़राब हो गया होगा, देखिए कहाँ सब जगह पानी 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 हो गया, मतलब पानी गिरने से रास्ता बहुत ही ख़राब हो जाता है क्योंकि ये लैंडस्लाइड वैंडस्लाइड गिरता है, इसलिए मेरा जैकेट आपको गंदा दिख रहा होगा ये सब एक्चुअली कल। हाँ हाँ, ट्रैक्टर में एक्चुअली हम लोग आए थे, ट्रैक्टर में पूरा कीचड़ उड़ के गंदा हो गया था, इसलिए आज देखिए पैंट भी मैं चेंज कर लिया हूँ। फाइनली हम लोग स्कूल यहाँ पे देखे, ये स्कूल मीपोतो स्कूल दूसरा विलेज का भी सामने ही है, दूसरा विलेज मीपोतो। हर जगह योद्धा या कैंपर, बुलेरो कैंपर,
ये मिफतो स्कूल गाइस, हमारे सीनियर सीआईएम पुलिसे के साथ। देखिए मिफतो स्कूल काफी छोटा मोटा, यहाँ पे सब काट का ही बना हुआ है मैक्सिमम स्कूल। वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम। तो गाइज ये है, देखिए मिफतो विलेज में आप सभी को दिखाने वाला हूँ। ये है मिफतो विलेज, काफी सुंदर। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वही है घर वगैरह, यही है मिफतो विलेज विजयनगर सॉरी गांधीग्राम के। हमारे सर यहाँ पे लकड़ी को काटने के लिए रेडी। रे स्वागत है रे, बटर ऑन योर ब्रेड सर। ये तो इजी वाला दिया है सर आपको, इसलिए काट लिया। अरे यार मेरे प्रैक्टिस है ना। अरे कौन बोला गांधीग्राम में लकड़ी फाड़ता हुआ यहाँ पे प्रकाश गिरी बल्टी रेडी। हाँ हो गया। मेरा बॉस फुलीचे यहाँ पे लकड़ी फाड़ता हुआ। सिंघम तो गाइस ये है गांधीग्राम। देखिए यहाँ पे देखिए पार्किंग स्लॉट बनाया। ये है कम्युनिटी हॉल गांधीग्राम का। यहाँ पे सीमेंटेड नहीं है, सब काट का ही बनाता है। मैं आपको बारीकी से दिखा देता हूँ कम्युनिटी हॉल। अंदर घुसना तो अलाउ नहीं है। यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी हॉल गांधीग्राम चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे लिखा हुआ है। काफ़ी पहले लिखा हुआ है इसलिए मिट गया। ये है कम्युनिटी हॉल, पर देखिए बिल्कुल रास्ता के साइड में ही है ये। यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया हुआ है यहाँ पे असेंबली के लिए, यहाँ पे बनाया हुआ है ये गांधीग्राम का कम्युनिटी हॉल। ये गाइस देखिए गांधीग्राम का चर्च, चर्च ऑफ क्रिस्ट जीसु कू जी ऑफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये एस्टेब्लिश हुआ है गाइस 1997 में। देखिए ये है चर्च यहाँ का गांधीग्राम का। ये है गेट, एंट्री गेट वो चर्च। ये है मेन रोड गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये गांधीग्राम का मेन नदी। पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा देखिए पहाड़ ही पहाड़। वहाँ पे हैंगिंग ब्रिज है एक, यहाँ पे पत्थरों को यहीं से लेके रोड की तरफ लेके जाता है रोड बनाने के लिए। देखिए काफ़ी सुंदर पहाड़, जैसे कि वो सर बता रहे थे जहाँ पे हम लोग रुके थे। काफ़ी अच्छा मतलब खातिरदारी किए हैं पुलिस का मामा। खाना वाना काफ़ी टेस्टी था, नेचुरल वे में बनाया गया था। ये पूरा पहाड़ है गाइस, देखिए तीनों ओर से मतलब वो जैसे कि बता रहे थे तीनों ओर से ये बर्मा से घिरा हुआ है। और एक एक और मतलब बर्मा इंडिया चाइना का एक जगह में उस साइड में बोल रहे थे एक बॉर्डर है। यहाँ पे हमारे निपेन सर बिल्कुल तैयार फोटो के लिए। स्माइल सर, ओ ठीक है, अभी सर का मैं फोटो खींच लेता हूँ, उसके बाद फिर आप सभी को दिखाता हूँ। ये है गांधीग्राम का मेन रिवर, देखिए मेन रिवर यही है। फेस धो रहे अपना, और मैं सर का गोगल्स पहन के एक बार ट्राई करता हूँ। अभी तक मैं गोगल्स नहीं पहना हूँ, चश्मा पहन के मैं ट्राई करता हूँ। कमेंट करके बताइएगा। और उधर देखिए हुंडई कंपनी का वो एलएनटी और ट्रक में लोडिंग कर रहे हैं सर। अभी मेरा एक फ़ोटो खींचेंगे चश्मा के साथ। आज देखिए ये नदी और यहाँ पे गांधीग्राम का इंटीरियर होम्स, देखिए बिल्कुल नदी के पास रियल विलेज लाइफ। यहाँ पे अभी गाइस ये सब जो रास्ते के लिए वो जो कर रहा है निकाल रहा है, मतलब कि ये जो मिट्टी मतलब पथरीला मिट्टी उससे ये देखिए रोड तो बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं नेक काम, लेकिन मिट्टी जो निकाल रहे हैं उससे सॉइल इरोजन हो रहा है यहाँ पे। वही मुझे वहाँ के लोग भी गांधीग्राम के लोग भी बता रहे थे कोई कोई कि इससे सॉइल इरोजन होगा और सॉइल इरोजन होते हुए फ्लडिंग का चांस हो सकता है। ये सब जितने भी घर हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। कोई इशू मत बनाएगा ऐसे पॉलिटिकल इशू, मतलब ऐसे बता रहा हूँ मतलब आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक सोलर पहुँच गया, बहुत ही अच्छी बात है ये।
यहाँ पे भी सोलर देखिए, गवर्नमेंट के दिया हुआ सोलर बड़ा वाला जो दिख रहा है। चलो अपने घर में यूज़ करते हैं। बता रहे थे कि मतलब गर्मी का टाइम में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी सर्दी गर्मी के टाइम में बारिश ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होने के कारण ये चार्ज नहीं हो पाता है कि सोलर इज टोटली डिपेंड्स अपॉन सनलाइट। जब सनलाइट ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये सोलर के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे इंटीरियर लगा में हाइडल पावर भी कर सकते हैं, लेकिन हाइडल पावर के लिए पानी का स्रोत चाहिए होता है। पानी का स्रोत नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो विजयनगर में बनाए थे हाइडल, लेकिन वो तो उड़ गया बोल रहे थे। चलिए देखते हैं, वहाँ पे आके हैंगिंग ब्रिज है उधर दिखा के, काफ़ी सुंदर सा ब्रिज है। आप लोग इसी तरह बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। गाइस वो देखिए, वो है हेल्थ सेंटर, छोटा सा हेल्थ सेंटर। यहाँ पे प्लेग्राउंड और वहाँ पे है जो न्यूली खुला है हेलीपैड, वो यही है गाइस हेलीपैड। वो जो देख रहे हैं झंडा, ये देखिए हेलीपैड का झंडा, ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये जो देख रहे हैं प्लेन एरिया, ये है हेलीपैड विजयनगर का जो हाल ही में जो खुला है। और ये फुटबॉल ग्राउंड देखिए, विजयनगर का फुटबॉल ग्राउंड। वो हेलीपैड में शायद ऑफिस ऑफिस बन रहा है उधर। तो वहाँ पे है हैंगिंग ब्रिज, अभी थोड़ी देर बाद पार करेंगे। सर थक गया क्या? वो देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, चलिए उधर जाके मैं आप सभी को हेलीपैड भी दिखाऊंगा, फिर हैंगिंग ब्रिज हम लोग पार करेंगे। तो गाइस मैं कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, रात में जो शाम में जो व्लॉग में नहीं कर पाया था, रात का व्लॉगिंग हुआ कुछ ऐसा था कि एक ट्रैक्टर से हम लोग आ रहे थे और ट्रैक्टर इतना हिल रहा था कि मेरा रात में सोया, फिर सुबह तो पूरा हालत ख़राब हो गया, पूरा बैक पेन, कमर में पेन, जो बम रहता है नीचे सब जंपिंग हो रहा था, तो बम पूरा पेन हो रहा था। तो आज हम लोग यहाँ पे दो स्कूल विजिटिंग किए हैं, एनजीओ का पर्पस से आए थे, काम वाम करके अभी थोड़ा सा हल्का सा जो टाउन तो एक्सप्लोर कर चुका था, अब थोड़ा इंटीरियर गांधीग्राम का एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये यहाँ से होते हुए एक कुछ रास्ता एक जाता है सर, जैसे कि दिखा रहे हैं, यहाँ से होते हुए अंदर में एक ये मिट्टी उट्टी लेने के लिए जाते हैं रोड वाले लोग, कंस्ट्रक्शन वाले लोग। और आगे में वो वहाँ पे है हेलीपैड और ये है सर वहाँ पे, थोड़ा दिखाइए, वो सीएच प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये जो है घर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और ये है ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड है ये गाइस, ये फुटबॉल ग्राउंड है। वहाँ पे हॉल भी है, कम्युनिटी हॉल टाइप का जो एंकरिंग करने वाला। तो गाइस ये गांधीग्राम में एक छोटा सा प्लेस है और यहाँ पे मेनली लिसु कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, लिसु कम्युनिटी यहाँ पे पाए जाते हैं। और जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं फुलीचे के मामा के वहाँ पे, काफ़ी अच्छा हम लोगों को वहाँ पे व्यवस्था करके दिए हैं। 5 कंबल हम लोग को ओढ़ना होता है रात में, इतना ठंडी होती है। और खाना पीना भी पूरा अच्छे से खिलाए हैं और अच्छा हॉस्पिटलिटी है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का एक्सपीरियंस, तो काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ के लोग। और देखते हैं आगे, कल हम लोग जो यहाँ पे एक टीचर है वो कल मियाओ जा रहे हैं, तो उसी में हम लोग जाने वाले हैं, उसी गाड़ी में। बरसात हो गई है तो रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका होगा। तो गाइस मतलब कि कल हम लोग वो सर के साथ जाने वाले हैं। साउटिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी लगा चुका है, बहुत सारे स्ट्रीट लाइट भी हमें देखने को मिला था। और विजयनगर के मुकाबले यहाँ का गांधीग्राम का जो रोड है काफ़ी सुंदर सा रोड है, वो अच्छा लगा देख के, जो कि काफ़ी अच्छा से बनाया गया है। विजयनगर का भी अच्छा है, वहाँ तो रोड ही नहीं था, लेकिन वो हाथों से बनाया गया है, हाथ से लोग बना रहे थे, मतलब मशीनरी का यूज़ नहीं किए। यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर मशीनरी का यूज़ किया, इसलिए अच्छा रोड बना है, क्वालिटी का रेडियो मीडियम लगा के बिल्कुल तैयार है। चलिए आगे हम लोग फिर मिलते हैं, उस हैंगिंग ब्रिज को हम लोग क्रॉस करेंगे और हेलीपैड उसी के साइड में है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, ये सब सेंटर गांधीग्राम, ये है देखिए, ये है सब सेंटर, करुणा ट्रस्ट की ओर से चला रहा है, अच्छा चला रहा है करुणा ट्रस्ट इतना अंदर भी। अभी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ जो नया नया खुला था गांधीग्राम का हेलीपैड, यही है गाइस हेलीपैड, देखिए वो आगे में हेलीकॉप्टर बूम लैंड करता है, फटता नहीं लैंड करता है। वहाँ पे देखिए फायरिंग एक्सटेंशन भी रखा हुआ है, देखिए वहाँ पे देखिए ऑफिस बन रहा है, यहीं पे नया नया जो खुला है हेलीपैड वही था। अब मैं जाने वाला हूँ वन ऑफ द टफेस्ट हैंगिंग ब्रिज ऑफ गांधीग्राम, सबसे अंदर वाला जगह हैंगिंग ब्रिज विजयनगर में तो है, साथ ही साथ गांधीग्राम में भी है। ये रहा, रुके सर हम पहले जाएगा, वीडियो करना पड़ेगा सर, हम लोग सर पहले ही रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, पहले नमस्कार कर लेता हूँ। हैंगिंग ब्रिज, काफ़ी सुंदर सा हैंगिंग ब्रिज, जय भोलेनाथ बचा देना जिंदगी जान, काफ़ी सुंदर है, वाह वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा हिलता है ये हैंगिंग ब्रिज, देखिए गाइस ये हैंगिंग ब्रिज।
बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हिलता है। देखिए आइए सर, फोटो एक खींच दीजिए ना सर। ये हैंगिंग ब्रिज है गाइस, देखिए काफ़ी सुंदर सा हैंगिंग ब्रिज। काफ़ी डरते हुए जा रहे हैं आगे, देखिए गाइस ये हैंगिंग ब्रिज, काफ़ी सुंदर सा हैंगिंग ब्रिज। देखिए गाइस पानी तो बिल्कुल ग्रीन है, अभी बारिश आ रही है इसलिए जल्दी से जाना होगा हमें। और वो चैलेंजेस को पार करते हुए आप सभी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज को फॉलो मतलब कि फेस करते हुए ये ब्लॉग बनाया था, बहुत सारा ब्लॉग था। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस सीरीज देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स कलीग्स एंड एवरीवन विथ एवरीवन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज यहीं पे बारिश अभी स्टार्ट हो गया है हल्का हल्का, तो हम लोग उससे पहले वहाँ तक पहुँचने का कोशिश करेंगे, तो कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस ये जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये जो है ये है एक बास्केट जो कि पुलिची के मामा ने बनाया है, बिल्कुल हाथों से बनाया है, काफ़ी सुंदर। मतलब कढ़ाई जो बेत जो रहता है ना, एक जो पुलिस लोग एक डंडा से मारते हैं तो उसी डंडा का मतलब पौधा का एक लकड़ी होता है जिसमें काटा होता है, तो उसको काटने के बाद धूप में सुखाने के बाद बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो उसी को काट काट के यहाँ पर मतलब कि ये बनाया गया है। ये टोकरी काफ़ी सुंदर टोकरी है। और गाइस ये बिल्कुल बहुत ही ऐसा होता है, देखिए गाइस ये देखिए ये है लोकल लाई साग, देखिए कितना बड़ा लाई साग है, मुझे सर भी एक लिए हुए हैं हाथ में, देखिए कितना बड़ा लाई साग है। ये यहीं पे मिलता है स्पेशली गांधीग्राम में, ये शॉप है, ये मैडम का एक शॉप था वहाँ से लिए हैं, देखिए काफ़ी बड़ा है। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं सर को ये देंगे बनाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा ये साग देख के इसलिए हम लोग खरीद लिए मतलब। तो गाइस ये जो साग है इसके बारे में मैं थोड़ा आप सभी को बता देता हूँ, ये बेसिकली मतलब नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ये नॉर्थ साइड में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया, बस ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। देखिए इसको बोलते हैं लाही साग, लाही साग मतलब कि ठंडा वाला एरिया में होता है, बिहार यूपी राजस्थान ये सब मतलब नहीं मिलेगा, बस नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी विजयनगर गांधीग्राम साइड में ये काफ़ी मतलब बड़ा में होता है, देखिए ये बिल्कुल कैबेज जैसा लगेगा लेकिन कैबेज नहीं, इसका बॉयल बना के खाते हैं काफ़ी टेस्टी लगता है, अंडा में भी डाल के बनाने से तो बहुत ही अच्छा ये साग है, लाई साग कहते हैं इसे। गाइस देखिए अभी बर्फ़ गिरने लगा है यहाँ पे, कल हमें जाना होगा, अभी चिंता होने लगी है जा पाएंगे कि नहीं, रास्ता पूरा ब्लॉक हो सकता है, देखिए पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रहा है, कंटिन्यूसली बर्फ़ गिर रहा है। गाइस क्या होगा, टेंशन में आ गए हम लोग, रास्ते में पहुँच भी सकते हैं हम लोग, देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा है, देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो देख रहे हैं वो सारा बर्फ़ है। ठीक है कैसा बर्फ़ गिर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोल्ड हो चुका है, तो निगरानी में बर्फ़ बहुत गिरते रहता है ठंडे के टाइम में, अभी कुछ ज़्यादा ही गिरने लगा है, हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा है। ना में देखिए कैसा बाउंसिंग, गाइस देखिए आइस अभी गिरा वाला, ये सब देखिए हमें टेंशन हो गया, अभी कैसे जाएंगे म्याओ, रास्ता तो पूरा जाम, लैंडस्लाइड हो सकता है, ऐसा गिरते रहता है, अभी तो स्नोफॉल कम है, ठंडे दिन में काफ़ी ज़्यादा गिरता है, बोले तो पूरा वाइट हो जाता है मतलब ये सब एरिया। गाइस मैं आप सभी को एक बहुत ही अनोखा चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये जो गांधीग्राम जो ये मियाँ टू विजयनगर रोड है उसका मेन जो यहाँ पे रोड जो हो रहा है ना, गाइस रोड अच्छा बनाया है, हाँ इधर से थोड़ा सा खराब हो रहा है, ये रोड कितना खराब हो रहा है देखने के लिए मिल रहा है सर। गाइस जैसे कि बता रहे देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वालिटी घट गया है, यहाँ से मतलब मेन टाउन है गांधीग्राम सर, इसीलिए होता होगा शायद। तो ये गाइस देखिए ये कौशल शर्मा का मेन ये जो क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट जो ये चल रहा है मियाँ टू विजयनगर रोड यहाँ का, उसका मेन यही है गाइस, देखिए ये कैमियम क्रेशर मशीन सब कुछ है, यहीं से विजयनगर मियाँ का आधा रास्ता सब कुछ गाइस यहीं से, आप जैसे कि मेरा पीछे से देख रहे हैं यहीं से सब कुछ मतलब कि पूरा होता है। तो ये था मेन गांधीग्राम का कैंप, मेन कैंप मियाँ टू विजयनगर रोड का ये कैंप, हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं ऐसे ही शाम के टाइम में टहलने के लिए निकले हैं। तो गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ से मियाओ से आने से इस साइड की ओर जाते हैं, ये जो ब्रिज आप यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ब्रिज गाइस, तो ये जो ब्रिज है ये जैसे ही क्रॉस आप करेंगे तो यहाँ से मतलब कि मेनली गांधीग्राम टाउन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कैंप आपको दिखाई देखने को मिलेगा, ये एकदम एक्चुअल मेन ब्रिज है गाइस, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा फोटो आता है क्योंकि पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं
यहाँ पे पूरा माउंटेन ही माउंटेन है। ये एकदम मेन ब्रिज हो गया गाइस, ये लोहे का ब्रिज आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये नट यहाँ पे टाइट करके इसको बनाया गया है, नट वगैरह। ये सबसे लोहे का ब्रिज है, ऐसा आपको रास्ते में पूरा लोहा का ब्रिज ही आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम आपको ये सीमेंटेड ब्रिज देखने को मिलेगा। तो एकदम मेन यहाँ से स्टार्ट होता है गांधीग्राम, क्योंकि एकदम मेन ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नदी है, नाला है छोटा सा, इधर भी घर है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी घर है, लेकिन मेन टाउन यहाँ से आगे आगे की ओर, मतलब कि मेन टाउन इस साइड की ओर, यहाँ पे मतलब कि मेन टाउन यहाँ पे दिखता है गाइस। तो गाइस मैं अभी खड़ा हूँ बर्मानाला में। बर्मानाला का कुछ हिस्ट्री में बताता हूँ आप सभी को। ये जो नाला है, ये जो आप पानी जो देख रहे हैं, बर्मानाला इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये जो पानी जो आ रहा है बिल्कुल बर्मा से होते हुए आता है ये पानी। और कोई ऐसा बोलते हैं कि इस पानी में मतलब कच्चा गोल्ड भी मिलता है, तो ये बर्मानाला है गाइस। और काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा था, आगे इंडिया फ्लैग देखिए दो लगाए हुए हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये नाला मतलब ये ब्रिज बनाया गया था। तो काफ़ी मेहनत लगा था इस ब्रिज को बनाने में, क्योंकि बार बार बनाते थे और टूट जाता था ये ब्रिज, बहुत ही पानी का सोर्स है, मतलब अभी तो फिलहाल कम है लेकिन जब बढ़ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी का सोर्स होता है। यहाँ पे कुछ लोग सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि आप सभी के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो गाइस यही था बर्मानाला, देखो लोहे का ब्रिज, यही है बर्मानाला, ये बर्मानाला, इस साइड से भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये है बर्मानाला, यहाँ पे है इंडिया फ्लैग, ये आगे देखिए, ये दो, ये एक, ये दूसरा, ये दोनों है इंडिया फ्लैग। तो गाइस अब मैं एक्चुअली आते वक्त तो रात हो गया था तो मैं इतना नहीं दिखा पाया था, अभी तो थोड़ा उजाला है इसलिए मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये इंडिया फ्लैग, ये बर्मानाला का ब्रिज, नीचे देखिए नीचे कुछ इस प्रकार है। तो गाइस ये देखिए मैं एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ आपका ही, मतलब कि गांधीग्राम का ही, जिस आदमी के वहाँ पे रुका था मैं, मतलब फुलिशे का मामा के वहाँ, तो बहुत देर तक बात करने के बाद उन्होंने एक क्लिप दिखाया था, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके मांगा था ये क्लिप। तो ये क्लिप, ये वीडियो मैं आप सभी को इसीलिए दिखा रहा हूँ, आज से ज़्यादा नहीं 2 साल पहले की बात है, 1 या 2 साल, रास्ता देखिए किस कंडीशन में था, देखिए बहुत ही चैलेंजेस और बहुत ही सुंदर से, अभी बहुत ही चैलेंजेस को फेस करने के बाद वहाँ पे फाइनली इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे रोड बना दिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। पहले देखे ट्रैक्टर कैसे जाते थे, कैसे रुक जाता था। ये वीडियो तो काफ़ी लंबा है, तो ये वीडियो को क्लिप को मैं एडिट नहीं करूँगा, काटूँगा नहीं, क्योंकि आपको किसी को अगर देखना हो तो ये पूरा देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा ये क्लिप है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रैक्टर फंस गया है, तो ऐसे ही मतलब कि जहाँ पर ख़राब रास्ते होते थे वहाँ पर ट्रैक्टर रुका हुआ रहता था, और इन लोग ट्रैक्टर जो मियों से लेके जाते थे वहाँ पे उन लोग अपने स्टाइल से मॉडिफाई कर देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसमें लोड कर पाए, और हर एक जगह में ख़राब ख़राब जगह में जहाँ पे बिल्कुल अकेला निकलने का चांस नहीं है वहाँ पे एक ट्रैक्टर रहता था, और एक बार में निकालने का 500 रुपीज़ लिया जाता था निकालने का प्राइस, तो कॉस्ट मतलब कि, तो काफ़ी देखिए कितना मेहनत करने के बाद आगे सामान पीछे सामान, ये क्लिप में बिल्कुल नहीं काटूंगा। और गाइस मैं आप सभी को बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतना प्यार दिखाए हैं मेरे इस सीरीज़ में, बहुत बहुत दिल से थैंक यू आप सभी को। और हम लोगों का ये सीरीज़ यहीं पे मैं एंड करता हूँ, आई होप फिर आगे भी मुझे जाने का मौका अगर कभी भी मिला तो मैं आप सभी तक औसम औसम वीडियो लेके आऊँगा, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाएगा मेरे इस व्लॉग में, ताकि मैं और भी अच्छा कर पाऊँ, इस ब्लॉग को आप तक बहुत ही सुंदर से पहुँचा पाऊँ, और ड्रोन एक खरीद पाऊँ। आप लोग का अगर प्यार रहेगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएंगे। मेरा अभी तक तो मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, जब मोनेटाइजेशन होगा तब इनकम जब होगा तो मैं उस पैसे से ड्रोन लूँगा और जहाँ भी जाऊँगा सुंदर सा क्लिप आप सभी के लिए शेयर करूँगा। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और इस विजयनगर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप लोग शेयर कीजिएगा। काफ़ी सुंदर सा ये सीरीज़ था, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला, बहुत बहुत थैंक यू। और फिर मिलते हैं एक नए सीरीज़ के साथ, एक नया एपिसोड के साथ, अगर मैं कहीं गया तो एक सीरीज़ फिर से बनाऊंगा, लेके आऊंगा आप सभी के लिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगर कोई जगह चैलेंजेस जगह है, मैं ऐसे ही एडवेंचरस जगह जाने में बहुत ही रुचि रखता हूँ, बहुत ही इंटरेस्ट है मुझे, तो अगर आप लोग को
आपको अच्छा सजेस्ट करना हो तो कमेंट में आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना प्यार दिखाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि मैं और भी औसम वीडियो लेके आप सभी तक आ सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप लोग लास्ट तक देखिएगा ये ट्रैक्टर वाला वीडियो, कहाँ तक कैसे कैसे निकाला जाता है, कैसे कैसे होता था, काफ़ी एडवेंचरस है। तब तक के लिए जय हिंद। Сам я сюда умею. Last dog.